रहीम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अब हम अफ्तारी के लिए बनाने लगे हैं चना चाट, जिसके लिए ये मैंने एक पाव आलू लिए हैं और एक प्याली हमारी चनों की है और ये दो प्याज है हमारे, सब्ज मिर्च, टमाटर, लेमन जूस, चाट मसाला और ये नमक, क्योंकि ये चीज़ें तो रोज़ ही बनती हैं और रेसिपी। सबसे पहले ये आलूओं को मैंने उबाल लिया था, अब इसमें मैं डालूंगी ये चने। चने मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। अब इसमें मैं डालूंगी ये प्याज, ये अब डालूंगी इसमें मैं ये टमाटर, पाँच मिनट में हमारी चाट तैयार हो जाएगी। अब डालूंगी इसमें ये सब्ज मिर्च, और डालूंगी एक टेबल स्पून, चनों में भी हमने नमक डाल दिया था, एक टेबल स्पून डालूंगी मैं चने नमक, और एक ये स्पून भर के मैं डालूंगी चाट मसाला। ये चाट मसाला डाला, अब मैं डालूंगी ये लेमन जूस, इसे मिक्स कर लेंगे। अफ्तारी के लिए ये हमारी चाट है। हो चुकी है ये देखिए, बड़ी अच्छी और लजीज चाट तैयार हुई है हमारी अफ्तारी के लिए। ये चिप्स और फ्रूट चाट, उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अल्लाह ताला हम सबको हर दुख हर बीमारी से दूर रखे, दुआओं में याद रखना, अपनी रहमत बनाए रखें, हम सबको रोज़े रखने की और इबादत करने की तौफीक दे। अल्लाह ताला हमारे रोज़े इबादत कबूल करे, हर परेशानी हर दुख हर बीमारी से दूर रखे। अब ये चाट हमारी बन चुकी है, अब हमने बनाने हैं प्याज और आलू के पकौड़े और फ्रूट चाट, दही बड़े। अगर आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि रोज़ों में टाइम कम होता है, काफ़ी सारी चीज़ें बनानी होती हैं, नमाज़, रोज़ा, कुरान पाक पढ़ना होता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी जो भी चीज़ बनती है उसकी रेसिपी दे देते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।